जो हुआ है तस्वीर उसी की तो दिखाई है, पर्दा हकीकत से ही तो उठाया है। चर्चा तो गुनाहों पर हुई है, फिर शरीफों को डर किस बात का? सच से सामना करने में डर किस बात का, हंगामा किस बात का? हम बात करने जा रहे हैं 90 के दशक के सबसे बड़े सेक्स कांड की, जिसने सैकड़ों घर बर्बाद कर दिए, तमाम लड़कियों की जिंदगियां छीन ली, लेकिन दोषी अभी तक फरार है। एक बार फिर से ये मुद्दा उठा है क्योंकि इस सेक्स कांड पर एक फिल्म आ रही है, अजमेर 92, जिसका विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन हकीकत क्या है, इसे जानना हर नागरिक का अधिकार है, क्योंकि हमारे देश में बोलने की आजादी है, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने की आजादी। तो लाख विरोध हो इसका, लेकिन इसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा, लोगों को आगाह किया जाएगा, वो सैकड़ों लड़कियां जो इसका शिकार हुई उनका दुख दर्द दिखाया जाएगा, ताकि आगे से कोई लड़की ऐसे जाल में ना फंसे। सेक्स और ब्लैकमेलिंग कांड पर बनी अजमेर 92 14 जुलाई को रिलीज होगी। इसकी घोषणा रिलायंस एंटरटेनमेंट ने कर दी है, उन्होंने फिल्म का पोस्टर भी जारी कर दिया है और उन्होंने बताया है कि अजमेर 92 इस साल 14 जुलाई को आ जाएगी। तरण आदर्श ने पोस्टर को शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पोस्टर में ये लिखा हुआ है कि 28 परिवार लापता, 250 लड़कियों के बटने लगे न्यूड फोटोज, आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या। अब इसी का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल फिल्म तो अभी आई नहीं है, लेकिन सच्ची कहानी क्या है इस पर हम बात कर लेते हैं। आखिर क्यों मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 21 अप्रैल 1992। इसी दिन एक अखबार एक ऐसा खुलासा करता है जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मचाता है, क्योंकि सच जो सामने आया वो रूह कपा देने वाला था। अखबार ने यह खुलासा किया कि अजमेर में रसूखदार परिवारों के लोगों ने स्कूल और कॉलेज की 100 से ज्यादा लड़कियों को अपने जाल में फंसा कर उनके साथ यौन शोषण किया। अखबार ने यह भी दावा किया कि कई लड़कियों के साथ गैंगरेप भी किया गया। लेकिन उस वक्त ज्यादा जानकारी न मिलने के कारण और इस मामले में इस कांड में बड़े बड़े लोगों के शामिल होने की वजह से मामले को दबाया गया। लेकिन कहते हैं ना, इस सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लो, उस पर लाख पर्दा डालने की कोशिश कर लो, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और हुआ भी वही, 15 मई साल वही था 1992। अखबार ने काफी मशक्कत की और जानकारी और भी ज्यादा जुटाई, लड़कियों से बात की गई, फिर उन लड़कियों की तस्वीर ब्लर कर स्टोरी छापी गई, उनके दुख दर्द को अपनी कलम से पन्ने पर उतारा गया। जिसने भी पढ़ा सब सन्न रह गए। मामले को जितना दबाने की कोशिश की गई थी, मामला उतना ही बढ़ गया। पूरे देश में ये बात आग की तरह फैल गई, चारों तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी। लेकिन हुआ वही जिसका डर था, भले ही लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी बात कही हुई, लेकिन इसका अंजाम उन लड़कियों को भी भुगतना पड़ा जो शहर की थी, जिनका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था, और जिन लड़कियों के साथ हैवानियत हुई, जो शिकार हुई, उन लड़कियों ने तो जिंदगियों से भी हाथ धो लिया। अखबार को दिए गए इंटरव्यू में लड़कियों ने बताया कि शहर के कुछ रसूखदार परिवार के लोगों ने न्यूड फोटो और MMS के जरिए उनका यौन शोषण किया, उन्हें डराया धमकाया जाने लगा, उन पर दबाव बनाया जाने लगा, उनसे कहा जाने लगा कि वो अपनी सहेलियों को भी लेकर आए और अगर वो बात नहीं मानती हैं तो फिर उनकी अश्लील फोटो शहर के चप्पे चप्पे में लगा दी जाएंगी, घर वालों को भेज दी जाएंगी। इन बातों से कुछ लड़कियां डर गईं और वो लड़कियां अपने सहेलियों को भी इस जाल में फंसा कर ले जाने लगी और फिर उनका भी यौन शोषण हुआ, कई लड़कियों के साथ तो गैंगरेप हुआ। उस वक्त अखबार के लिए ये सब छापना आसान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उसने लड़कियों को न्याय दिलाने के लिए लगातार इस पर स्टोरी की, जिसके बाद पुलिस की भी जांच शुरू हुई और फिर हुआ सबसे बड़ा खुलासा। जांच में जो सामने आया वो किसी को भी झकझोर कर रख दी। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी उन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें एक लैब में धुलवाते और लैब में काम करने वाले लोगों ने भी उन लड़कियों को धमकाना शुरू कर दिया था। लैब वालों ने भी लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया और सबसे दर्दनाक तो ये था कि कई लड़कियों ने इस सब से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया ये भी गया कि नौबत ये हो गई थी कि शहर की लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, मतलब जो इस सब बात से दूर थी सजा उनको भी इसकी मिल रही थी, उन्हें भी इस मामले में घसीटा जा रहा था, उनका भी घर बर्बाद हो रहा था, क्योंकि ये मामला सामने आ चुका था। जहां लोगों को लड़कियों को सपोर्ट करने की जरूरत थी, वहां पर लोग उन्हें दलदल में धकेल रहे थे। शायद इसीलिए तमाम अपराध बढ़ते हैं, क्योंकि अपराधी इसी सामाजिक बहिष्कार का डर दिखाकर लड़कियों को समाज से दूर और नरक के दलदल में धकेल देते हैं। वहीं जांच में जब आरोपियों के नाम के खुलासे हुए तो सब हैरान रह गए। ज्यादातर आरोपी अमीर घराने से थे।
अजमेर का सबसे चर्चित चिश्ती परिवार का नाम इस कांड में सामने आया, जो अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते। पुलिस ने नफीस चिश्ती, फारूक चिश्ती और अनवर चिश्ती को आरोपी बनाया और फारूक चिश्ती उस वक्त यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 17 लड़कियों की गवाही के बाद 18 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया, जिसमें से 8 को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस कांड में शामिल कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें आज तक पकड़ा नहीं जा सका। और अब जब इस कहानी पर फिल्म बनाई जा रही है, तो जो लोग बेआबरू होने से डर रहे हैं वो चिल्लाना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, मुस्लिम संगठन इस पर विरोध जता रहा है। अजमेर शरीफ दरगाह कमेटी का ये कहना है कि फिल्म के जरिए एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अगर फिल्म से अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, तो फिल्म बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इतना ही नहीं, रिलीज से पहले इस फिल्म को दरगाह कमेटी को दिखाने के लिए भी कहा गया है। वही इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के मुखिया शुएब जमाई ने तो एक ट्वीट भी कर दिया है और लिखा है कि अजमेर दरगाह कमेटी के सदर सैयद गुलाम कीबरिया और जनरल सेक्रेटरी सरवर चिश्ती साहब सहित खुद्दाम कमेटी से मशविरा करने के बाद हम ये आधिकारिक घोषणा करते हैं कि फिल्म अजमेर 92 शहर में घटित एक आपराधिक घटना, जिसमें भरोसा कलर लैब के महेश लुडानी और डॉक्टर जयपाल की प्रमुख भूमिका थी और कुछ स्थानीय अपराधी शामिल थे, तक सीमित है और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन अगर षड्यंत्र के तहत अजमेर शरीफ दरगाह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमत और इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, तो फिल्मकारों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, पूरे मुल्क में शांतिपूर्ण विरोध होगा। इसीलिए बेहतर है कि रिलीज करने से पहले फिल्मकार अजमेर दरगाह कमेटी को फिल्म दिखाएं, ताकि भविष्य में कोई विवाद खड़ा ना हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर नफरत फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सनद रहे। अब आपको बता दें कि फिल्म में कहीं भी नहीं ये बताया गया है कि हम फिल्म किस पर बना रहे हैं। एक घटना है जो घटित हुई है, उसी पर फिल्म बन रही है, लेकिन घटना से जो लोग जुड़े हुए हैं अब वो डर रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। शुएब जमाई के इस ट्वीट पर एक यूजर ने उन्हें जवाब भी दिया और कहा है कि असली गुनाहगारों के तो तुमने नाम ही नहीं लिए, अजमेर फाइल्स के चर्चे तो सब जगह हैं, बस देखना अब बाकी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक सच्ची घटना, जिस पर अब एक फिल्म आ रही है और उसका विरोध शुरू हो गया है। बहरहाल इस कहानी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।